क्योंकि मैं कंडीशनर कम यूज कराती हूँ, अलग अलग मास्कता हूँ तो ये बताती हूँ आपको, वो ही रोज वाटर खत्म हो जाए अभी शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल नोनू शर्मा विश चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया। सुबह सुबह मैं आपके साथ, मैंने सोचा आज का मैं ना हेयर केयर रूटीन वाला अपना व्लॉग आपसे शेयर करती हूँ कि मैं अपने हेयर केयर कैसे करती हूँ इन समर में। समर में जैसे अभी मैं दिख ही रही हूँ कि आपको उठी हुई हूँ, तो मैं सबसे पहले उठ के मैं मतलब ज़्यादा ऑयलिंग तो कर नहीं पाते समर में, गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मियों में हम ज़्यादा तो हेयर्स की केयर नहीं कर पाते क्योंकि पहले तो हम इनको इतना टाइट बंद करके रख देते हैं। दूसरा है कि इसको ज़्यादा मतलब गर्मी होती है तो ऑयलिंग नहीं कर पाते, इनकी नरिशमेंट नहीं हो पाती, तो इनके ये सब के लिए हमें इनको नरिश करने के लिए अच्छा, इनको मतलब अच्छे से हेल्दी रहे इनके लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। और ऐसे तो हो नहीं सकते कि पूरी समर ऑयल ना करें, फिर बहुत फ्रीजी हो जाते हैं ना, ये बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उसी के लिए मैं घर पे ही करती हूँ। वैसे तो हम सैलून जाके भी कर सकते हैं, अपना स्पा करवा लिया, कुछ भी करवा मतलब स्टीम करवा लिया, हेयर वॉश करवा लिया, बट इन हम हाउस में अपने घर पे अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये आज पूरी वीडियो में बताऊंगी और क्या क्या करूंगी वो भी बताऊंगी। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। अभी जस्ट मैं उठी हूँ, मेरा वो फेस गीला दिख ही रहा होगा आपको, और मैं पानी ही पी रही थी। मैं ऑयलिंग करने वाली थी तो सोचा मैं वीडियो भी बना लूँ। तो चलो, और छोटे छोटे मैं आपको हेयर केयर के टिप्स भी दूँगी। जो तो सबसे पहले मैं ना ज़रा फैन ऑन करूँगी क्योंकि जैसे ही बाल खोलेंगे हमारे हालत ख़राब हो जाएगी मेरी हालत। तो बालों को हम खोलेंगे, हम ऐसे ही रखते हैं ऊपर। जैसे देखिए, तो पहले तो आप उंगलियों से ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सॉर्ट कर दो कि ज़्यादा इन पे प्रेशर ना बने। तो ये देखो मेरे बाल, देखो टेंगल नहीं हो रहे ना, सुलझ रहे हैं। तो ये अब हम करेंगे कॉम। कॉम मैं ना वुडन की कॉम करती हूँ, वुडन वाली कॉम जो होती है ना, ये अच्छी होती है, ये बड़े बड़े दांतों वाली, और ये बहुत अच्छी होती है, इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। जो प्लास्टिक वाली होती है ना, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है, और वो मतलब बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा और हम रीयूज उसको करते हैं, तो उस वजह से मैंने नोटिस करी थी ये बात। उसी चक्कर में मैंने ये एक तो वुडन की कॉम अपने हेयर्स के लिए स्पेशल जो करा था, एक तो वुडन की कॉम और एक ही जो ये वाले पिल्लो नहीं होते सिलिकॉन वाले, ये मेरा बहुत हेयर ग्रोथ रुका था इससे, बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ रुका था। तो एक ये सिलिकॉन वाले पिल्लोज। हाँ तो ऑयलिंग शुरू करते हैं। गर्मियों में तो देखो ज़्यादा मैं ऑयलिंग करती नहीं हूँ, ज़्यादा मतलब उससे नहीं करती हूँ क्योंकि ऑयल खुद ही रिलीज हो जाता है ना हेयर से जैसे जैसे स्वेटिंग होती है। तो ठंड के टाइम पे तो मैं मतलब आलमंड ऑयल, सरसों के तेल का और नारियल तेल का करती हूँ, लेकिन अभी गर्मी है ना, गर्मी में हम ये बादाम का तेल तो नहीं लगा सकते, आलमंड ऑयल नहीं लगा सकते क्योंकि वैसे ही गर्मी या और गर्म कर देगा सिर को हमारे। तो मैं जस्ट ये अभी नारियल तेल में करती हूँ, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा है ये, और एक वो भी अच्छा है पतंजलि का है जो नारियल तेल, वो भी अच्छा है, उसे भी करती हूँ। तो अभी मेरे पास ये है, जस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो मेरी बातें तो इतनी हो रही थी तो मैंने धीरे धीरे से मसाज करा अपने पाम से, मतलब टिप फिंगर टिप से मतलब अपने स्कैल्प को मसाज करना है और इसकी रूट को भी करना है। मैं यहाँ यही कह रही हूँ जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं हमारे हेयर्स में, उसे भी अच्छे से रब करना होता है ऑयल से, ये नहीं कि रूट रूट पर लगा दो, इसकी एंड टेल पर भी लगाना होता है।
और जो ये मांग का एरिया होता है ना, जैसे सिंदूर पता नहीं कैसा होता है, ये कई कई ख़राब भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये डैंड्रफ भी कर देते हैं, ये वाले एरिया पे ईची कर देता है। तो इस तरह से मैं पहले फटाफट ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद इसे 2 आवर्स के लिए रख दूंगी। और मैं यही कह रही हूँ आपको यहाँ पे कि फिंगर की टिप से इसे अच्छे से मसाज करो, उसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और ऑयल करने के बाद ना हम बालों को ज़्यादा टाइट नहीं बांधेंगे, बिल्कुल टाइट रबड़ से नहीं बांधेंगे, एक ढीला सा बन बना लेंगे, जैसे हम घर पे वो बन बनाते हैं ना, या चोटी कर लेंगे लूज लूज सी। ये वाला बन बना दिया मैंने, इसके ऊपर रबड़ डाल दिया। अब इसे 2 आवर के लिए रख दूंगी और उसके बाद हम तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए। तो अब हम हेयर मास्क बना रहे हैं। ये मैंने 2 चम्मच दही लिए थे, उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल का ले लिया और इसे अच्छे से घोल लेंगे 1 चम्मच। और आप चाहो तो आप इसमें एग डाल सकते हो। अभी मैं लगा के बताती हूँ ऑयलिंग। तो ये रहा पेस्ट, इसको मैं अच्छे से घोलूंगी। तो पहले तो मैं आपको इसकी नरिशमेंट के बारे में बता देती हूँ, पहले ऑयलिंग तो हमने कर ली, मतलब हमारी स्कैल्प जो ड्राई थी वो हमने अच्छे से ऑयल कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हेयर मास्क लगा रहे हैं फॉर कंडीशनिंग, क्योंकि मैं कम ऐसे ना हेयर मास्क बनाती हूँ दही और इसका। दही आपकी स्कैल्प को ईची नहीं होने देगा और एंटी बैक्टीरियल है ये, आपको मतलब डैंड्रफ हो जाती है ना कईयों को। देखो डैंड्रफ सिर्फ ड्राइनेस से ही नहीं होती, गंदगी से भी होती है। तो आप अगर मतलब स्वेटिंग हो रही हो आपके हेयर्स में और उसमें हवा नहीं जा रही हो और वो कई दिन तक फिर वो बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं, उसी की वजह से कोना डैंड्रफ होने लगती है। तो मुझे डैंड्रफ तो नहीं है, लेकिन ये आपकी स्कैल्प को कूल डाउन भी करता है। जैसे गर्मी है आजकल तो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना, उसी गर्मी से थोड़ा कूल डाउन करता है दही, इसीलिए हुआ। और एलोवेरा जेल तो आप जानते हो, एलोवेरा जेल तो मैं जब घर पर होती थी ना अपने गाँव में अपने घर पर शादी के पहले, तो घर पे तो खुद है एलोवेरा, हमारे बहुत सारा एलोवेरा होता है, तो मैं उसको भी नहाने से पहले पूरा उसका वो निकाल के ऐसे पैक लगाती थी बालों में। वो ना शाइनी कर देता है आपके हेयर्स को और कंडीशनिंग कर देता है बहुत ही। और हमने फिर बालों को खोल दिया और देखो मैं कितना बोले जा रही हूँ, मैं इतना कुछ बोल चुकी हूँ ना, इतने टिप्स दे चुकी हूँ कि ये पूरी 1 घंटे की वीडियो बन गई थी, इसलिए मुझे इसे स्किप करना पड़ा। तो हम दही और एलोवेरा के पेस्ट को इस तरह से लगा देंगे, हम हल्का हल्का सा रूट में भी लगाएंगे, जिसको डैंड्रफ है वो रूट में भी लगाए और जिसको स्मूदी एंड सिल्क हेयर्स चाहिए तो वो ऊपर ऊपर से लगाए और अच्छे से मसाज कर लो और नीचे तक लगाओ टिप तक, कि आपके हेयर्स को अच्छा कंडीशन करेगा। और दही के तो मैंने आपको इतने अच्छे फ़ायदे बता ही दिए, और साथ साथ में मैं तो मतलब ये बाल वाल जो झड़ते हैं साथ ही साथ में इकट्ठा भी करते रहते हो, फेंकती रही हूँ। और मैं कह रही थी यहाँ पे कि ये जो अपनी टॉप एरिया होता है ना, यहाँ पे ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छी ठंडक मिलती है दही लगा के। और हाँ मैं ये भी बता दूँ, जिसको जो एगिटेरियन हो या नॉनवेज घर पे लाते हो, वो इसमें एग भी डाल सकता है, वो तो हेल्दी प्रोटीन हो ही गया, बहुत ही अच्छा हो गया। दही एंटी बैक्टीरियल हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, और एलोवेरा जेल में तो विटामिन ए विटामिन ई कितना कुछ होता है, ये हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मिलते हैं 15 से 20 लगा रही थी तो बहुत ही अच्छा हो गया था। उसके बाद हम बालों को हल्का सा बांध देंगे और सिर्फ 15-20 मिनट्स रखेंगे। मैं नहाने जा रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। तो मैं नहा के आ गई हूँ, मैं जस्ट आई हूँ अभी, देखो बाल बांधे हुए हैं, थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरा स्किन केयर रूटीन चाहिए तो मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको अपना टोटल स्किन केयर रूटीन बताऊँगी, मॉर्निंग नाइट वगैरह वगैरह जैसा भी है जो भी है, ठीक है। तो अभी आज तो हेयर मास्क का है तो ये बताती हूँ। और देखो वो ही रोज़ वाटर ख़त्म होने वाला है जो मैं यूज़ करती हूँ, बनाया था जो मैंने आपको बताया था, ये हाइड्रेशन के लिए अच्छा होता है। तो पहले आपको बाल सुखा के, तो मैं जितना हो सके ना उतना सोक कर लेती हूँ, टावल से इन्हें सुखा लेती हूँ, अच्छे से सारा पानी निचोड़ लेती हूँ और उसके बाद जाके ड्रायर यूज़ करूँगी।
मैं ड्राई करके आपको बताती हूँ। वैसे मैं ड्राई नहीं करती अपने हेयर्स को, ना ड्रायर से कम करती हूँ, क्योंकि उससे ना हीट होती है ना, ज़्यादा हीट होती है, उसकी वजह से ख़राब होते हैं बाल। लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए ना, ना वेट क्या करूँगी, तो आपको दिखाने के लिए मैं अभी ड्राई कर रही हूँ। तो अगर आप अभी देख रहे होंगे तो बाल अभी मेरे, मतलब कैसे पता चलेगा, बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत सॉफ्ट हो रखे, दही से ना सॉफ्ट हो रखे। और मैं एक बार बस मैं इतना ही बालों को सुखाती हूँ, मतलब कि इससे वो पानी की बूंदें निकल जाए, बस इतना ही सुखाऊंगी, बाकी नेचुरली सूखने लगे इसे, ये स्मूथ लग रहे हैं ना बाल, बहुत ही स्मूथ लग रहे हैं। तो मेरे बाल हो चुके हैं ड्राई, मैक्सिमम ड्राई हो चुके हैं, मतलब यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा गीला है, लेकिन जब इतना ड्राई हो जाए उसके बाद मैं कॉम करती हूँ। और जैसे वुडन की कॉम के तो मैंने फ़ायदे बताए, इसमें ऑयल भी रिसिस्ट नहीं होता, जैसे जो प्लास्टिक वाले होती है ना उसमें ऑयल लग जाता है, फिर वो दोबारा लगाओगे तो फिर से आपके बाल गंदे हो जाएंगे। और ये ना सो कर लेती है ये, इसमें ऑयल कुछ नहीं लगता, आप देखो इसमें कोई ऑयल नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। तो एक बेनिफिट वुडन वाली कॉम का ये है। रही मैं, बाल सूख गए हैं मेरे बिल्कुल, और बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब ये देखो बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहे हैं, और इतने सॉफ्ट, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, अभी मैंने कॉम भी नहीं करी है, मतलब अभी मैंने ये, आप सीरम लगा दो, सीरम भी मैं बहुत कम लगाती हूँ, जब कभी बहुत ही फ्रिजी हो जाते हैं तभी लगाती हूँ, ऐसे मैं नहीं लगाती हूँ आजकल, तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े देर बाद ऐसे हो जाएंगे। लेकिन अभी शाइनी देखो, हेयर्स कितने अच्छे हो गए ना, सॉफ्ट हो रखे हैं, सॉफ्ट। तो ये था मेरा हेयर मास्क, और जैसे जैसे मैं हेयर्स की केयर करती हूँ वो, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप भी ये रेमेडी घर पे ट्राई कर सकते हो, खासकर समर में, क्योंकि समर के लिए, और जब विंटर आएगी, विंटर क्या तो अलग अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता है हेयर्स को, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी जब विंटर आएगी। लेकिन अभी तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, और वो तो बताया था मैंने कि जो एग यूज़ कर सकता है वो एग भी कर सकता है, वो तो बहुत ही अच्छा है जो एग यूज़ कर सके, पर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ये नहीं कर पाती, तो इसीलिए मैं दही और एलोवेरा यूज़ करती हूँ इन समर में। और अगर आपको क्लोज व्यू चाहिए मेरे हेयर्स का, मैं वो भी दे देती हूँ आपको, क्लोज से भी दे देती हूँ आपको, फ्रंट कैमरे से दे देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।